आपकी वजह से मुझे ये मंच प्राप्त हुआ है। मैं आप सबके चरणों में माथा टेक करके प्रणाम करता हूँ। आज के इस विपरीत परिस्थिति में भी मोदी अमित शाह से ईडी से सबसे लड़ाई कर रहे हैं और देश में चट्टान बन के खड़े हुए एक ऐसे नेता जिनको ना डर न कोई डर न कोई भय, आपकी लड़ाई लड़ रहे देश के लोकतंत्र बचाने की, आदरणीय राहुल गांधी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्योंकि बात संक्षिप्त में कहनी है तो मैं तीन बातें बस शॉर्ट में कह देता हूँ। एक बात अग्निवीर योजना में मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद विधायक रहा 1.5 साल, उसके बाद चुनाव हार गया, फिर भी मुझे 5 साल पेंशन मिली। लेकिन अगर कोई सैनिक अग्निवीर बन के जाता है तो उसको जीवन में कभी पेंशन नहीं मिलेगी। ये एक देशद्रोही नीति है और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी इसको समाप्त करेंगे जैसे हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पिछला चुनाव आपने देखा था कि किस प्रकार से 3,000 रुपए का माता बहनों को वायदा करके लड़ा गया था, जहां पर वो हाहाकार मचा था 3,000 रुपए 3,000 रुपए। आज मैं उन माता बहनों को कहना चाहता हूँ, जब बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आए तो इनका नारंगी दुपट्टा खींच के नीचे कर देना, कहना पहले 3,000 रुपए दो पिछले 4 महीने के, तब वोट मांगेंगे हमारे दरवाजे पर। झूठों की पार्टी है। एक अंतिम बात आपसे कहना चाहूंगा, जैसा कि पूर्व में लोकसभा की प्रत्याशी रही भाजपा, जब हमारे इमरती देवी जी मंत्री भी रही कैबिनेट की, उन्हें भी बीजेपी में होते हुए आदरणीय बनैया साहब को समर्थन दिया और बीजेपी के कई लोग दे रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप सब लोग भी बीजेपी वालों से बोलते रहा कि समर्थन दे रहे और उनपे कलंक नहीं लगे। दूंगा गद्दारी का उसकी एक छोटी सी तरकीब है, यदि सारे भाजपा के लोग हमको जिता करके भेज देते हैं आदरणीय बनैया जी को, तो आपको कहना आपके नेता जब नरेंद्र मोदी अमित शाह मोहन यादव आए थे वो सब मंच से कहते गए थे कि फूल को वोट देना और हमारे प्रत्याशी का कहना है राहुल गांधी जी, आदरणीय भगवान सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय राकेश चौधरी जी, आदरणीय नीतू पटवारी जी, आदरणीय अरुण यादव जी और सम्मानित मंच साथियों, में आपके बीच में वोट के बारे में चर्चा करने आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बार पार्टी ने जैसे ही मुझे उम्मीदवार बनाया था, मैं आपसे खुद ही पूछना चाह रहा हूँ कि जिस दिन से उम्मीदवार बनाया था उसी दिन से आपके दिल दिमाग में जीत का जश्न बनने लगा था कि नहीं लगा था? और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की हमसे लड़ने के लिए आती है। इस चुनाव के अंदर आपका साथ मिला, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त भी कराई जा सकती है। नहीं नहीं, ये भी आप देखेंगे कि चाहे मोदी जी हाँ, चाहे अमित शाह जी हाँ, या गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर, वोट मांगने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। भाई नेहरू ने खुद कहा कि अगर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगर ये सीट जीती जाएगी तो 40 वर्ष पहले सीट जीती थी, 40 वर्ष का बदला इस बार ले लिया जाएगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, और नहीं नहीं, अगर आपके वोट से जीत करके भूप सिंह बनाई अगर दिल्ली जाता है और आपके ऊपर अगर किसी ने कंकर भी छाला, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया जाएगा, कोई माइक का लाभ नहीं मिल सकता है। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वोट देंगे मुझे पूरा भरोसा है, और वोट देंगे तो मुझे जिताएंगे मैं भी भरोसा है। आप जिताएंगे तभी जीतूंगा और आप नहीं जिताएंगे तो जीतने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिताने की जिम्मेदारी आपकी, वोट डाल करके जिताने की जिम्मेदारी आपकी, और जीतने के बाद आपके दुख, आपका संकट, आपके हक अधिकारों के लिए लड़ने की जिम्मेदारी फूल सिंह बनैया की रहेगी। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं।